मेरे बेटे का आज बर्थडे है, मेरे लिए बहुत सबसे बड़ी खुशी की बात यह है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मैं अपनी बेटी के बर्थडे पे अपना मोबाइल लॉन्च किया और बेटे के बर्थडे पे मैं अपना ये शो लॉन्च कर रहा हूँ, चटपटी बुआ का स्वयंवर। और चटपटी बुआ को तो आप जानते हो कपिल के शो से कि वो कितनी चटपटी हैं और क्या हैं, तो मेरे को बेहद खुशी है कि मैं अपने बेटे के बर्थडे के साथ साथ अपना पहला शो जो है मैं ये लॉन्च कर रहा हूँ आज के दिन। हम अपने बर्थडे के टाइम कुछ और भी लॉन्च करेंगे, लेकिन अभी आप उसको, आप लोग कंफ्यूजन में रहिए अभी, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये थिएटर शो है और ये बहुत ही अच्छा प्ले होगा, और आप लोग देखेंगे कि एक बुआ है जिसकी शादी नहीं हुई है, 22 ईयर्स ओल्ड, और उसके लिए कई राजा महाराजा आते हैं। अब वो शो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि बुआ किससे शादी करती है। ये अपने आप में बहुत एक रोमांटिक है। सर, बहुत सारे शो चल रहे हैं कॉमेडी के, ये शो कितना अलग है? ये कॉमेडी से बिल्कुल अलग है, क्योंकि कॉमेडी में अभी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो अविवाहित है। कॉमेडी में सिर्फ एक ही कैरेक्टर है बुआ, जो 22 वर्ष ओल्ड है और लड़का ढूंढ रही है, आज तक अभी तक कोई लड़का नहीं मिला, तो ये तो सबसे अलग हटके है। स्वयंवर के शो बहुत सारे आ चुके हैं, जो कुछ फ्लॉप भी हुए हैं। नहीं, ये वो स्वयंवर नहीं है। स्वयंवर के शो अभी तक जो भी आते थे या तो खुद लोग शादी करते थे या कोई ऐसा है, ये शो सबसे अलग और डिफरेंट है। इसमें तो सिर्फ हम दर्शकों के साथ अपने एक हास्य की चीज़ों को रखेंगे और उनका जो है साथ में मनोरंजन करेंगे। असल में मैंने एमए की है, एमए इन ड्रामेटिक आर्ट्स, तो मेरा स्टेज से बहुत लगाव है शुरू से। मतलब अगर मुझे कोई कहे कि फिल्म, सीरियल या किसी भी चीज़ से ज़्यादा अगर मुझे मज़ा आता है तो वो स्टेज पे, क्योंकि ऑडियंस एकदम सामने होती है और आप लोगों को रिएक्ट करते हुए देखते हैं कि आपके कौन से डायलॉग पे लोग हंसे, कौन से डायलॉग पे उन क्या रिएक्शन आया, तो इससे ज़्यादा एक्साइटमेंट और कुछ नहीं हो सकती। और ये एक चैलेंज होता है, आप एक बार स्टेज पे जाते हैं आपको सारा पूरा करके आना पड़ता है, वो वन गो में होता है, या तो आप अच्छा कर गए या आप बुरा कर गए, तो ये इस बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए मुझे स्टेज पे काम करना अच्छा लगता है, और ये मैं कहूँगी कि अब तक का जो मैंने स्टेज पे मेरा एक्सपीरियंस हुआ है उसमें सबसे बेस्ट प्ले ये चटपटी बुआ का स्वयंवर है, जिसमें हम लोगों को हंसाने वाले हैं और इसमें लोग बहुत बहुत मज़ा आएगा लोगों को, क्योंकि एक तो ये इस प्ले पे मेहनत बहुत हुई, हम कुछ 5-6 महीने से हम सिर्फ स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं और कोई भी डायलॉग हमें पसंद नहीं आता उसे काट देते हैं, हम बोलते हैं कि नहीं ये नहीं, कुछ और लिखते हैं कुछ। तो अब ये प्ले रेडी हो चुका है और नेक्स्ट मंथ 20 तारीख से हम लोग इसका मुहूर्त हो रहा है, मुहूर्त कहूँगी मतलब पहली बार हम लोगों के सामने उसे दिखाएंगे। तो मुझे लगता है, मेरे को पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से आज तक मेरे काम को लोगों ने सराहा है और मुझे प्यार मिला है मेरे दर्शकों का, तो इस प्ले को भी बहुत प्यार मिलने वाला है। जैसे कि आपने मुझे देखा, उसका नाम है चटपटी बुआ का स्वयंवर, तो चटपटी बुआ मतलब जो कॉमेडी नाइट्स की बुआ थी उसकी भी शादी नहीं हुई थी, तो ये राजकुमारी है चटपटी और इसकी भी शादी नहीं हुई, और उसका स्वयंवर होता है और उसमें डिफरेंट तरह के राजा आते हैं, कोई बूढ़ा राजा आता है, कोई दुबला राजा आता है, कोई यूपी का राजा आता है, कोई बिहार का राजा आता है, तो वो उनके साथ कैसे रिएक्ट करती है और उसको कितनी डेस्परेट है शादी करने के लिए, ये उससे कुछ मिलता है, लेकिन वो राजाओं की कहानी है। और फिर दिखाते हैं कि वो चटपटी विक्रम और बेताल ये कहानी बता रहे हैं ऑडियंस को, वो जो नरेट कर रहे हैं वो हम दिखा रहे हैं, और उसके बाद वो देखते हैं कि अभी बोलते हैं कि अभी भी देखिए ये वैसी है, और कभी सलमान के पीछे है, कभी शाहरुख के पीछे है, तो वो सब दिखाएंगे हम, और फिर वो ऑडियंस के बीच में चली जाएगी और ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करेगी कि कोई भी नहीं मिला, राजा मैं राजकुमारी थी तब नहीं मिला ये नहीं, और अब लोगों के पीछे पड़ेगी। मतलब वो तीन उसमें वेराइटीज़ हैं, तीन वेरिएशंस हैं जो लोगों को, क्योंकि हम ऑडियंस के बीच में जाने वाले हैं, ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करने वाले हैं, तो वो लोग उसे पसंद करेंगे। चटपटी बुआ में तो उससे बहुत ऊपर है, बहुत कुछ है, मतलब अभी मैं क्या एक्सप्लेन करूं, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें कितना मजा आने वाला है। ऑडियंस का 22 था, हिट नंबर ही हो गया था, तो ऐसा कुछ उसमें एक पंचलाइन हो
हाँ पक्का उसमें है, और वो 22 को लोग मिस नहीं करने वाले हैं क्योंकि मैं कॉमेडी नाइट्स कर रही हूँ और वो बस सेम कैरेक्टर हम लोग प्ले कर रहे हैं उसको। मैं एक फिल्म कर रही हूँ उसका नाम है, ये फिल्म पाकिस्तान में बैन है तो हाँ फिल्म का नाम ये है तो वो मैं कर रही हूँ। बाकी अभी मैं देख रही हूँ कुछ बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स होंगे तभी मैं करूँगी, अदरवाइज़ जैसे चौक एंड डस्टर मेरे को बहुत अच्छा लगा था वो कैरेक्टर, उसमें वो कॉमेडी भी है उसमें इमोशनल भी होती है वो, और बहुत सारी वेरिएशंस थी उस कैरेक्टर में मनजीत में, और उसका सब्जेक्ट बहुत अच्छा था। तो मैं ऐसी फिल्म में कुछ करना चाहती हूँ जिसमें मैं एज परफॉर्मर मैं ये लोगों को ये दिखा सकूँ कि उपासना सिंह ये भी कर सकती है। जैसे अभी मैं एक सीरियल कर रही हूँ जिसका नाम है संतोषी माँ, और उसमें मैं बिल्कुल वैम्प नेगेटिव रोल प्ले कर रही हूँ जो कि मतलब पिंकी बुआ से बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर है, और उसको करने में मुझे बहुत मज़ा आता है क्योंकि जब भी मैं एक रोल छोड़ के कोई डिफरेंट तरह का कैरेक्टर करती हूँ तो मुझे मज़ा आता है। बिकॉज मैं थिएटर, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं थिएटर मेरी बैकग्राउंड रहा है तो मुझे हमेशा वैरायटी और डिफरेंट रोल्स अच्छे लगते हैं। मैं कॉमेडी नाइट्स में हूँ, मैं कर नहीं सेम प्लेस और सेम कॉन्सेप्ट। इन रियल लाइफ में मैं बुआ नहीं हूँ, मैं उपासना सिंह हूँ और मैं हैप्पीली मैरिड हूँ, मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत बहुत सेटिस्फाइड हूँ। भगवान की बहुत दया है कि मेरे दर्शक मुझे इतना पसंद करते हैं, जो मेरी हॉबी थी मेरा प्रोफेशन था वो जो मेरी हॉबी थी वो मैंने प्रोफेशन बनाया और उसमें मुझे इतना प्यार मिला। सो मुझे लगता है मैं रोज़ भगवान को थैंक यू बोलती हूँ कि मैं शायद उस काबिल भी नहीं थी जितना परमात्मा ने मुझे दिया है। मैं करती हूँ, मैंने अगर कोई रोल मुझे पसंद आता है तो कोई भी ऐसा काम नहीं है जो मैं छोड़ती हूँ। मुझे मतलब मेरे को वो रोल पसंद आना चाहिए, चाहे वो मैंने इंडिया की तकरीबन सारी भाषाओं में काम किया है। मेरी 42 भोजपुरी फिल्में रिलीज़ हो चुकी हैं, मेरी कुछ 20-25 पंजाबी फिल्में, गुजराती राजस्थानी से तब मैंने स्टार्ट किया था। तो मेरे को कभी भी कोई कैरेक्टर लगे कि इसको करने में मज़ा आएगा तो मैं ज़रूर करती हूँ, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि किसी भी कॉमेडियन का और किसी भी एक्टर का उसमें कोई कसूर नहीं होता, क्योंकि एक्टर को जो स्क्रिप्ट दे दी जाती है वो वही बोलता है। तो अगर किसी को भी ऑब्जेक्ट करना है या ऑब्जेक्शन लेनी है तो वो स्क्रिप्ट है जो लिखी गई और चैनल उसे अप्रूव करता है, तो एक्टर का कोई कसूर नहीं होता। और मैं और इसको लाइटली लेना भी चाहिए क्योंकि आज तक आप सारे कॉमेडियंस को उठा के शुरू से लेके आज तक के तो सब मिमिक्री करते हैं, और बड़े बड़े लोगों की है उन्होंने मिमिक्री, और आज तक ऐसा कोई बड़ा बवाल नहीं हुआ, ऐसी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं। ये तो मैंने पहली बार सुना और मेरे को खुद डर लगने लगा, अरे मैंने वो कैरेक्टर किया था मेरे ऊपर मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी। सो मतलब हर आदमी डरता है। अभी राजू श्रीवास्तव जी को देख लीजिए कितने किए हैं, या और भी आप सारे कॉमेडियंस को देखिए, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होना चाहिए था। अभी आप थोड़ा संभल के करेंगे उस तरह का, किसी का मजाक उड़ाना डर लगता है थोड़ा। हाँ अभी हम सोचेंगे और लाइंस बोलने के टाइम सोचेंगे कि क्या है। मैं ये मानती हूँ कि धर्म का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन वो धर्म का मजाक नहीं था। जैसे मैं सरदारनी हूँ, गुरु ग्रंथ साहब जी के साथ हमारी मेरी बहुत अटैचमेंट है, या जितने भी धर्म ग्रंथ हुए हैं सबके अपने अपने धर्मों के साथ, उसको आप छोड़ दीजिए और बाकी आप जो इंसान जिंदा है, अभी मेरी कोई मिमिक्री कर रहा हो तो मैं हंसूँगी उस पर, और मोदी साहब भी हंसते हैं, अमिताभ जी भी हंसते हैं, तो इसे एक मजाक की तरह लेना चाहिए। आप कभी भी छोटे नहीं हो जाते, अपने जो आदमी अपने ऊपर हंसता है वो सबसे बड़ा और सबसे महान होता है मुझे लगता है। वो फिल्म अभी शुरू हुई है और उसमें वो भी एक इंटरेस्टिंग फिल्म होगी, जैसे चौक एंड डस्टर मैं बोलती हूँ कि ऐसे कुछ इसी तरह का वो सब्जेक्ट है कि पाकिस्तान, अभी सब्जेक्ट सुनाने से मना किया है प्रोड्यूसर ने। ओके थैंक यू सो मच। खबर नहीं बोला ना।